भैया अरे हम भांग ढूंढत ढूंढत फटाए के अब लाए बाबा। अच्छा हाँ बगैर नशे के नहीं चल पाए। अरे गंगा घाट पर बिना नशे के कुछ न हो। अच्छा तब थोड़ी थोड़ी भी छन जाए। हाँ भैया थोड़ी थोड़ी छन जाए। घने गर जाती कोई इसी गांव के 20 श्रद्धा सुमन और पल्लर भाई साहब इसी गांव के 21 श्रद्धा सुमन सभी दानदाता बंधुओं को कोट कोट धन्यवाद। अरे डालो डालो मसाला भंग में डालो डालो कचंभा देखा और ये कचंभा ऐसा देखा एक कचंभा ऐसा देखा कुआ मला गया। अरे भकुहा भयो कहू कुओ में आग लागत है। एक कचंभा ऐसा देखा कुआ मला गया सारा पानी जल गया मछली खेले भाग चले फिर चलेगी ऐसा है का नशे सचे में रही हो का ऐसा है अब आज हम ही पूजोबे जान ऐसा है कहो जजमान अजमान दिखा के पूजोबे जजमान देखो सामने से चले आ रहे हैं। कहो है तुम्हारी आंखी है कि बटल है
तुमका देखात हम का नहीं देखात सुनो जौन जजमान आवत है ना हां वो जजमान हम पुजौबे तुम ना पुजई हो हम पुजौबे बलवान बन्ना बहन पर तुमका हम पुजौबे अरे ये हो हमारे तुम्हारे घाट पे तंबू का नाथ लगा लिया बनक जाना तो हम बड़े भारी पंडा हो जाए। अरे तुम्हारे पंडा है वह फटहा ताट अरे हमारे घाट पे गलीचा बिछा जौन हो कहा थे हमार घाट है कौन आता है यही जौन डर फुटाऊ है यही डर फुटा तुमका उठा चढ़ बैठे हम क्या बड़े नहीं जड़ फुटाऊ ले हो कहा देने का है कि तू नौ है मैं कर 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 की है रहा था का आई एड़ी उठावा थे डेढ़ फुट के हम आओ एड़ी उठा के हमें बराबर हो अरे तो है कुछ कह रही है का तो कम है हम तो के बचपन तो जानित है जब तो देख तो के है लड़ाई करे हमेशा हम लड़ाई नहीं की नानी हाँ हम कहा कि हमें नाना के घाट आए अच्छा तो ये कह रहे हैं अई कहें तो है नाना नहीं सब घाट आए हाँ का भाई बता नानी हो हाँ बता कुछ नहीं अगर इनके नाना का घाट आए हाँ तो नानी पूरा परिचय जानत हुई है नानी परिचय बताओ हम मान ले हाँ बता रही तो तू हमारे तो हमका पैदा तो किया का तो कहे जब जब क्या करता ये हमका बताओ अब ये आंखें नहीं खुली अब ये हमका बताओ और कहा एक बात और कहा गई हाँ कहीं तुम्हारा नानी ना आ रहे मिट्टी कहा लगा तोहन कहा था चल चाहे जाऊन हो जाए बताओ कैसा कहा तुम हम सब कुछ बताओ भाई अब ही हम अहन से पैदा भय है हम अहन का आखिर दिखा पिज्जा खा ले अब कहा तो रहे कि कहा करगी मैं यही तुम की ना तुम बहुत हम कहे थे हम कहे तो अपनी अम्मा से पूछ के आ जाए आ नानी हम नहीं कहा तो रहे जान कहा था हम बताए थे अच्छा चलो सुनो हम आगे बतावे जाए थे अब तुम ऐसे खड़े हो हमारे रोटी जड़ी जात हुए हेलो स्टाफ ये आ गए जुनैद भाई साहब 21 रुपए रामनारायण 20 रुपए
दुर्गा प्रसाद 20 रुपए, केशव प्रधान जी के कर कर्मियों द्वारा 50 रुपए, हरिराम जी के कर कर्मियों द्वारा 51 रुपए, दया दीन भाई साहब 20 रुपए, राघवराम भाई साहब 20 रुपए, शोभराज भाई साहब की तरफ से 50 श्रद्धा सुमन। सभी दानदाता बंधुओं को कोट कोट धन्यवाद। और एक जरूरी ऐलान, सभी दुकानदार भाई ध्यान दें, 2 जनवरी को फलहारा का मेला है। आप सभी दर्शक महान भाव और दुकानदार भाई भारी से भारी संख्या में पहुंचे और 2 तारीख को मेले की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद। सुनो, इजाम आया है गुरु महाराज, इनसे हम बता दें। हाँ बताओ। हर यही घाट के पंडा से मोर पिया, यही घाट अगर कल्याण हलवा के अंदर भी लग गई तो मैं तो चबाऊं। हाय देखा ले, अबे तो मैं हलवा नहीं कहा है, अबे तो तुम्हारे को लक्षण लक्षण बताऊंगे नहीं। अरे इनकी तो मेहरी भी नहीं गली गली कंधा से मेरिया, यही हसकान तू अठा हसन तू नास हसकान सुख हसकान तू अठा हसन तू ना की संडी के संडा सुमर पिया, की संडी के संडा सुमर पिया। और गुरुदेव यू घाट हमारे आए, अब तुम हमारे घाट पर पूजाओ। देखो पंडित आए, हाँ जो भी रघुवंशियों की सनद को बतावेगा, अच्छा उसी घाट पर मैं शिष्यों सहित स्नान करूंगा। अरे तो ठीक है, तो हमारा छोटकवर नत्यावा जनता है। अरे ऐसा कर कि कहा था कि रघुवंश सिंह के सनद बता दी, तो तू बता दे, हमारे रोटी गरी जात हुई, हम जाए थे जाई। राण कहो हुए, हमसे पहले आए हैं। ओए पहले रहे सौरथ, चालू हो पहले रहे सौरथ, फिर भाई नबे रथ, फिर भाई अमीर रथ, फिर भाई सौरथ, फिर भाई साठ रथ, फिर भाई 50 रथ, फिर भाई 40 रथ, फिर भाई 30 रथ, फिर भाई 20 रथ, फिर भाई राजा पंगा सुने जा। आइए हम सनत को बताते हैं महाराज। अच्छा और
हेलो हेलो ये ना बोलो हिलायो भैया या सनद होने तो ना सुनो श्री विष्णु की नाभि से कमल कमल से ब्रह्मा जी से मरीच जी कश्यप जी से विश्वान जी मनु जी इच्छा जी कुछ विकुच्छ बार अनन्य प्रथु त्रिसंत धुंधमार युमास मंधाता सुसंध धूसंध भरत असित सगर असमंज अंशुमान दिलीप भागीरथ कुपुत्र रघु प्रवर्ध श्रखण सुदर्शन अग्निवण श्रीघर मरु प्रसुप अम्बरीश नहुष ययात नभाग अज तब जाके अज के पुत्र हुए जिनका नाम दशरथ हुआ और दशरथ के चार लड़के हुए जिनका नाम राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न है महाराज। बहुत यही है रघुवंशियों की असली सनद। मैं आपके ही घाट पर स्नान कर अरे तब प्रभु ऋषि समय तो नहा गुरुदेव हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पावन सुर सरनाथ आए रे धरण बसी की बढ़ेगा न भरिया
प्रधानमंत्री, जैसा आपने कहा था सारे नगर में मैं निमंत्रण दे आया हूँ, और रास्ते में यह ऋषि राज जी मिल गए थे, मैं उनको भी निमंत्रण देकर आया हूँ। बहुत अच्छा किया, आकर के अमराई बाग में टिके हुए हैं। चलो हम चल कर उन्हें सम्मान के तहत दरबार में लाते हैं। जय श्री आ गया भाई। आइए एक जरूरी सूचना, सभी लोगों को बताया जा रहा है कि आज रात में इसी मंच पर नौटंकी का भी कार्यक्रम है, देखने न भूले, आप सब लोग नौटंकी जरूर देखें। धन्यवाद। राजन सदा सदा हो कल्याण हो, से तू जाना चाहते हैं यह श्याम गौर देवो कुंवर किस भाग्यवान के बालक हैं, है आप दयानिधि विद्यानिधि धर्माज्ञ धर्म से बालक, इनमें कुछ सत्य लोकित है के दर्शन करे महामुने मम ब्रह्म जान के, तक तक ही बंधी रह जाती है ऐसा कुछ अद्भुत देह हुआ, विख्यात है नाम विदेह मेरा पर मैं तो आज दोनों हैं पुत्र अवध के है राम नाम लक्ष्मण, महोत्सव देखन को
करें, मंत्रीवर आप मुनराज की देखभाल करें और मैं चलकर स्वयंवर की तैयारियां करता हूँ। जय श्री आज्ञा महाराज। लक्ष्मण और शरणित निमित्त को पुत्र दरहन महामुनि जी अपने दोनों शिष्यों से कहते हैं कि जाइए हमारे लिए पूजा करने हैं तो आप पुष्प लेकर के आइए। और इधर मर्यादा पुरुषोत्तम पुष्प लेने के लिए हमारे बाग में जाते हैं और इधर माली अपने फूलों को देख रेख करता किस प्रकार आप उन्हीं के अनुसार रूप से सुने और गुड्डू भाई जहां कहीं पर हुए उन्हें कोई याद कर रहा आ जाए धन्यवाद। अरे गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा की झोली के ताल निकले फूल तोड़ने के दर्द के ताल
बात बता दे हमका कसम से आप बहुत मीठी लगती है। ज्यादा कुरकुर कुरकुर ना करो, चल चली। हाँ खाना ना खाया जाए। अच्छा चलो ठीक है, हम जान बता दे चली खाना बनावे। हाँ चलो। अरे गुलशन में मिलेंगे दाना और इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं धीरे धीरे पुष्प तोड़ने के लिए। कोमल किशोर जाते हैं पार्टी में। और ये कुछ स्पेशल रूप से और एक दाम भी आए हैं, राम नयाज 20 रुपए, सिया राम 21 रुपए, मतीन 100 रुपए, राम दीन 50 रुपए, श्याम लाल 51 रुपए, रघुराम 20 रुपए, सुखराम 21 रुपए, माता फेर 20 रुपए, रंजीत 51 रुपए, नफीस 20 रुपए, बाबूलाल 20 रुपए, हनुमान 21 रुपए, राम कुमार 21 रुपए, सरजू प्रसाद 11 रुपए, जीत बहादुर 50 रुपए। सभी दानदाता बंधुओं को कोट कोट धन्यवाद। कौन चौधरी बागिरे बाली या गए
नीरज मैन खेड़ा के इनके कर कमले द्वारा 21 श्रद्धा सुमन लाभ मिला कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुके आए से चलते हैं। तभी माँ गौरा जी पूजन करने के लिए आती हैं, माँ सीता जी गौरी का पूजन करने आती हैं। सभी सखियां ध्यान दें और जो माता बहने पूजा में शामिल होना सकती हैं हो सकती हैं। किस प्रकार से सीता जी प्रार्थना करती है रानी
माता सीता। हर जय जय हे जगदम्बे माता सीता जी गौरा जी का पूजन करती है। और उधर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी भी उसी फुलवारी से होकर के रास्ते में मुलाकात होती है। और जब मुलाकात होती है तो मर्यादा पुरुषोत्तम एक तक माता सीता को देखने लगते हैं और माता सीता जी भी प्रभु को देखने लगते हैं। प्रभु जी सोचते हैं कि अगर मुझे पत्नी के रूप में कोई मिले तो माता सीता हो। और माता जी भी यही सोचती है कि अगर मुझे कोई पति के रूप में मिले तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हो। और इस प्रकार से दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं। इस प्रकार से राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी बाग में बस खड़ी, बाग में
प्रकार से प्रभु जी चले जाते हैं और सीता जी की सारी सखियां क्या सोचती है सुने उन्हीं के मुखार विंद से। जब सारी सखियां बगीचे में इकट्ठी थी तो क्या सोच रही थी, अरे हमका लगाए गए टोना तो हमका लगाए गए टोना तो किशोर गोर सावन सुंदर सुंदर
खड़ी है। अभी आधा घंटा और लीला चलेगी, आप सभी लोग शांति से बैठ जाएं और आप सभी लोग विलंब न करें। और डेली तो काम धंधा आप लोग करते, आज लीला जरूर करते हैं। और इस प्रकार से महाराजा जनक जी सुंदर की तैयारियां करवाते हैं और देश विदेश के राजा लोग आते हैं, और धनुष का खंडन करने के लिए। तो सावधान, आप लोगों के सामने पातालपुरी निवासी बारासुर की सवारी आ रही है। अरे ये लीला देखने वालों, ये लीला देख कर हम यहाँ पर आने पर आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं महाराज, और मैं आपको इस रंगशाला का अध्यक्ष बना रखा हूँ। धन्यवाद, जैसी आपकी आज्ञा। सावधान, इस रंगभूमि में लंकेश की सवारी आ रही, लंकेश की। कौन से महासुर हैं जो मेरे ही गुरु का नाम ले रहे हैं? चल करके हमें इनका परिचय जानना चाहिए। कहो महाशय, आप कौन हैं और कहां से आए हैं और कहां के लिए प्रस्थान किए हैं? आपको मालूम होना चाहिए, किसी का परिचय पूछने से पहले अपना परिचय देना चाहिए। आप बताइए, आप कौन है, क्या है, कहां से आए हुए हैं? इसका मतलब पहले आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं। क्यों नहीं, तो सुनिए। और पाला श्रीमनी नाम है, पाताल पुण्य है। पाला श्रीमनी नाम है, पाताल पुण्य है। था पिता हमारे बलि कहावे नहीं हुआ पिता। बालासुर हूं, मेरे पिता का नाम महाराज बलि है। सुनता रहा कोई, पातालपुर में बालासुर नाम का राजा रहता है। हमारी आपकी मुलाकात हो ही गई। आप कौन है महाशय? आप अपना परिचय, अब हमें अपना परिचय देना चाहिए। तो सुनिए बालासुर,
चल रहा हूं अपने धाम, हमारी आपकी मुलाकात अब हमारे लंका में होगी। आपके हाथ में सारंग बजा और हमारे हाथ में सभी दानदाता रंगों को धन्यवाद। आ जाना चलत चलत मारा
जी, कन्हैया लाल भैया जी ग्राम बटगया के रहने वाले, इनके कर कमलों द्वारा वीर पुत्र प्रणाम से प्रार्थना करते भैया जी का जंगल से बंदर मानो इनके कर कमलों द्वारा 20 मुद्राएं प्रदान हुई भगवान भैया जी का धनदान से बंदर चुप 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 चुप। ये आ गए हमारे नेता जी रघुनाथ यादव ग्राम शक्ति के प्रवाह के नेता जी, नेता जी के कर कमलों द्वारा 20 मुद्राएं हमारी पार्टी में प्रदान हो रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करके भगवान भैया जी का धनराम से भंडार भर रखे। ऐसा है पहले झुके करो प्रणाम पीछे पूछो मेरा नाम या तो गलती नहीं गए लेकिन एक बात सुनो ध्यान से, ये है शंकर जी का जाप करो ना आप चाहे आज तुम्हारे बाप लंका के राजा रावण है लेकिन आप कौन से रावण है होना चाहिए। रावण कौन राजा थे कि बासुर बुद्धिमान होगा, ये देखे तो बच्चों जैसी बातें करता है। अरे तीनों लोकों में कोई दूसरा रावण नहीं है, एक और हम तो केवल नास्ती। ये लंकेश बली चितल जब करे पताला, लड़के पान रखे घोषाला, लड़का खेल मारे जाई दया लाज बल। तुम्हें नहीं मालूम है मैं कौन सा रावण हूँ, सुनिए। है भ्राता मेरा कुंभकर्ण पुत्र मेघनाथ हमारा है। सकल अहम से बचे ही दस का धर्माम हमारा है। ठीक है, मुझे विश्वास हो गया। ये
बताइए लड़के, कहाँ के लिए आपने प्रस्थान किया? महोदय, पत्रकार को मालूम होना चाहिए कि हमने सुना महाराज जनक ने अपनी सुपुत्री सीता का स्वयंवर रचा। जी हाँ, आपने सही सुना। तो वो स्वयंवर की शर्त है कि जो कोई इस धर्म का खंडन करेगा या इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ में सुकुमार सीता का विवाह होगा। ये भी सत्य है। तो आज आगे दस का धर इस धर्म का खंडन कर रहा है। कल का खंडन तो देर रहा, आप उस चाप के शरीर कर जा सकते हैं। कौन रोकेगा हमें? मेरा कहा कर यहाँ पे गमन श्री जनक की कुमारी मिलेगी नहीं चाहे लंका पति को। अरे तोड़ सकते हो धनुष नहीं क्यों मान घटाना चाहता है। तोड़ सकते धनुष नहीं क्यों मान घटाना चाहते है। अरे हेलन कैसे चले जाए क्यों मान चलाना। धीरे से तुम्हारे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिए, अगर आपके भुजाओं में पल है तो धर्म का खंडन करो वरना यहाँ से जा सकते हो आप। ठीक है, अगर तुम यही कहते हो तो मैं सत्य धनुष को प्रणाम करता हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। जा सकते हो आप। भारत के लोग विजयी रावण को शिक्षा देने के लिए है। अब नहीं फिर धर्म का खंडन करना चाहिए। महान महादेव जय श्री शंकर। सारण के सारण तू धर्म के धनुष का खंडन करने जा रहा है। उधर तेरी बहन का हर हो रहा है।
इस ब्रह्मा के बदल क्या बात है प्रभु। जब मैंने अपनी लंका की तरफ प्रस्थान करने की कोशिश की तो मेरे पैर आगे क्यों नहीं बढ़े। हे भूधाम भोलेनाथ, मैं आपका आवाहन करता हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपका आदेश है कि इस रंगशाला में भगवान विष्णु का पदार्पण हुआ तो क्या रावण उनके दर्शन नहीं करेगा? अवश्य प्रभु, अवश्य रावण दर्शन जरूर करेगा। लेकिन प्रभु, इस रंगशाला में मैं भगवान विष्णु को पहचानूंगा कैसे? इसलिए मैं आज भगवान विष्णु का आह्वान करता हूं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रकट हूं, प्रकट हूं प्रभु, प्रकट हूं। लंकेश प्रणाम। विजयी भव, विजयी भव। राम के वेश में राम, राम आपने तो मुझे प्रणाम कर लिया, लेकिन मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकता हूँ। जब मैं आपको प्रणाम कर सकता हूँ तब आप हमें क्यों नहीं प्रणाम कर सकते? लंकेश, इसका उद्देश्य बताइए। और छत्री कुल में जन्म लिया है, इसलिए आप मुझे प्रणाम कर सकते हैं। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, इसलिए मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकता हूं। लेकिन नहीं, मैं परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु को प्रणाम अवश्य करूंगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। प्रभु, जब आप हमारे सामने प्रकट हो ही गए हैं तो मैं आपकी भविष्य वाणी बताना चाहूंगा। क्यों नहीं लंकेश, अवश्य देखिए हमारी भविष्यवाणी। मैं आपकी हस्तरेखा, मस्तक रेखा और भुजाओं की रेखा देख करके आपके भविष्य बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको मुझे वचन देना होगा, क्योंकि हमारे आपका बीच में रहने वाला शास्त्रार्थ हमारे हुए आपके बीच में रहना चाहिए, इसको कोई दूसरा व्यक्ति ना जान सके, ये वचन दीजिए आपने। लंकेश प्रभु, मैं वचन देता हूँ कि जो बातें हम और आपके बीच होगी उसको कोई नहीं जान पाएगा। लंकेश, अवश्य बताइए हमारी बात। प्रभु, इस मानव जीवन में आपके ऊपर बहुत ढेर संकट है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सुनो प्रभु, हे राम तुम्हारे मस्तक पर, राम तुम्हारे मस्तक पर पिता मरे का साथ।
राम ये आपके ऊपर कष्ट आएंगे और शुद्ध होगा। लेकिन अब क्या करना है राम, तो होना है क्योंकि ये तुम्हारे पूर्वजों की अस्थियों से बना है, इसको कोई दूसरा व्यक्ति तोड़ने तो दूर रहा छू भी नहीं सकता है राम, इसलिए है राम। हाँ, करिए और सुना वाला तो जो है नहीं तो सब दीदी हाँ। हरी साल भर में मेला है था लेकिन सब जमीन सब कहाँ है, अरे कम से कम सामने आ के अब बांधा तो नहीं फंस फंसाएंगे कहीं हईजन के जाए कहीं जंगल में भर दिए सब लड़के चबा ले हैं। एक तो दिन भर ऐसे भूखी बनती रही और ये भूंगा पियाड़ा मोर आपत्ति। हेलो ये आ गए हमारे बीडीसी साहब लियाकत अली बीडीसी, इनके कर कमलों द्वारा समुदाय प्रदान हो रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान भैया जी का धन दौलत से भंडार बने रख। अरे बता दिए दोबारा बेटी जी भी तो चट महारानी के जो सब इंतजाम होएगा बर्फी बन गए पाग कर रहा होएगा तो खटखटा हो गए तो नाम रहेगा तो वह लस्सी हो गए बेकार हो गए कहीं कहा के रे कहीं देखा रहा पलानी दादी किया सब ऐसे चाट लिहन रहा तो जो दोपहर बा या कट्ठा भाई कहीं दादी तुम अहिं का दे रहा है कहीं बच्ची चलो बसाएं रही नहीं या कट्ठा हो तो सब जनी या कट्ठा भाई तो दुई पुरिया ललेवा रंग और दुई पुरिया पेरकवा रंग एक कम घोर के धै दे कहीं कहा कि कहन पतोहवा लगाओ थे जो नई नबेली जादू का नाउन बना कहन रत्ती रंगौना लगवा लियो। अरे कहन अरे नहीं पानी नाल इन पंजन पहेड़ी भिजबन है गई हाली पोंच पांच के लगवा ली। अच्छा बहुत जनी रिसायो ना बहुत जनी की तो भैया चिकनी एड़ी रहा तो उनके तो निहाउन अच्छा लागा बहुत जनी के जाड़े में जैसे भदैली का करी मसकी जा वही रंग लगा ली है तो मानव जैसे जैसे आप अंदर बिरा हुआ था तो भाई घुमा उमा ना मार दे जायो काल हम यह है सहपुर में कहा बच्ची हो रही दिशाओ ना बहुत जने की फाटी हुई है जो रंग लगा लिए तो वही दूर से भैया और बड़ी बड़ी दिखाए लागे जिनके बेवाई दर्रा था तो चट महारानी के सब पत्तल वत्तल जो लाएगी गवा तो गाँव नहीं शुरू हो गए। अरे चट महारानी की पत्त महाराणा कबूल करे तो चट महारानी के उसाना मैया सबके न्योता है। अब हम धनुष टूरे जाए इसलिए जयमाल दस मिनट लगेगा कोई गाएगा नहीं वीडियो बना सर आओ आओ जी आओ सब मिलके अरे सरे पान खेल गए जान यहाँ टोना लगा दी है।
जैसे इस्माइलपुर मनकापुर भटगवा सुरतीपुरा प्रसादपुरा देवनपुरा तीनों गढ़ी सब कहूँ के झरमुइया बलौवा झरवार के सबसे बढ़िया टोना हमारे घर में झारी सात ठई मिर्चा अपनी सरसों चौकरा और भैया चार छोरा नमक कहीं सात दही उतारी लेकिन कहीं मेरे भैया की खड़ी बरौनी हूँ बहुत टोना लाग है भाई के सात दही उतार के मैं टांगे के लिए की झोंक दे कहीं का फूटे कहीं टोनाहन की आंखी तो हम तो कहें कि झोंकाइन की आंखी तो वह टोना झरू और झरवाए उरवाए के ऊपर तब भी जो है धनवा टूरब और सब कुछ कर मैं हार गया अब कुछ मुझसे नहीं हो रहा है जाए थे झरवा उरवा के ऊपर लेकिन कोलर का लुहाय होना एक जरूरी सूचना कल 27 तारीख को ग्राम इस्माइलपुर का मेला है सभी दुकानदार भाई दर्शन महान भाव अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और कल इस्माइलपुर में रामलीला का आनंद उठाए कल 27 तारीख को इस्माइलपुर में रामलीला है और 2 जनवरी को ग्राम थलहारा का मेला है सभी दुकानदार भाई दर्शक महान भाई भारी से भारी संख्या में पहुंचे और थलहारा और इस्माइलपुर में कल मेले की शोभा बढ़ाए धन्यवाद हे देश देश के राजा गरे हम किसे कहे बलशाली मुझको है ज्ञात पृथ्वी भी
श्याम कृष्ण सुन उठहु राम भंजा